नमस्कार, मैं टीम आयरन 10 एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है ओलियंडर पॉइजनिंग या फिर हमारा कर्वीर विषाक्तता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओलियंडर के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे ओलियंडर के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है हमारा नेरियम ओडोरम, जो कि व्हाइट फ्लावर है, श्वेत पुष्प वाला होता है। और दूसरा होता है हमारा थेवेशिया नेरीफोलिया, जो कि येल्लो फ्लावर या पीत पुष्प वाला होता है, और दोनों ही एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इसके पर्याय के। तो इसके पर्याय है कनेर, अश्वमार्ग, चंडातक और अश्वंतक। अब इसमें एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं नेडियोडोरिन, नेरियोडोरिन, कैराबिन, थेवेटिन और हमारा सर्बेरिन। अब इसका कोई अगर किसी को पॉइजनिंग होती है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो उसको देखेंगे। तो उसमें साइन सिम्टम्स आते हैं हमारे बर्निंग ऑफ थ्रोट एंड स्टमक, डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, उसके अलावा वॉमिटिंग, और क्या हो सकता है इसमें, डायरिया हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, स्टमक एक एब्डोमिनल डिस्टेंशन रह सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीक फील हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस रह सकती है, और उसके अलावा अगर पॉइजनिंग बनी रहे तो डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी फेटल डोज की। तो अबाउट 15 ग्राम्स पाउडर ऑफ फ्रूट कैन बी फेटल फॉर एनीवन, और इसका जो फेटल पीरियड होता है वो होता है 24 hours to 36 hours। इस पर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक लेवास देना है टैनिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, और बाकी जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सिम्टोमेटिक रहेगा। अगर आयुर्वेद के ऊपर बात करें तो आयुर्वेद में भैंस के दूध की दही में चीनी मिलाकर देने से इसकी पॉइजनिंग कम हो जाती है, या फिर अर्क तक चूर्ण को जल के साथ देने से भी इसकी पॉइजनिंग के प्रभाव कम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने